सो हेलो एंड वेलकम, स्वागत का 4X प्रो अनबॉक्स में। रियल मी लेके आ गया है और एक सी सीरीज़ का नया स्मार्टफोन, जो एक डिफरेंट स्मार्टफोन है जिसका नाम है रियल मी C53। तो क्या ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या नहीं, सबको बताओ इसके बारे में। अगर चैनल पर नया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहता हूँ। तो शुरू करते हैं पहले फ़ोन के डिज़ाइन और बिल्ड मटेरियल से, जिसमें बैक में मिलता है प्लास्टिक मटेरियल, जिसके अंदर नीचे की तरफ आपको मैट फिनिश देखने मिलता है, ऊपर शाइन में देखने मिलता है। और डिज़ाइन थोड़ा यूनिक है। और फ्रेम की बात करें तो प्लास्टिक मटेरियल में देखने मिलता है फ्रेम भी। तो पोल्स और बटन की बात करें तो राइट में आपको पावर बटन, वॉल्यूम बटन, जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिलता है, जो इस प्राइस रेंज पर एक अच्छा ऑप्शन है। लेफ्ट में आपको सिम ट्रे, जिसके अंदर ड्यूअल सिम का सपोर्ट देखने मिल जाता है, और साथ में एक्सटेंडेबल सिम स्लॉट दिया है। बॉटम में 3.5 mm का जैक, माइक, टाइप सी पोर्ट और स्पीकर देखने मिलता है। तो बात करते हैं हम लोग डिस्प्ले की, जिसके अंदर आपको 6.7 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले देखने मिलता है, जो एक HD प्लस डिस्प्ले है, जिसके साथ में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है। अगर ब्राइटनेस नीट की बात करो तो 560 नीट का ब्राइटनेस पीक देखने मिल जाता है। और इसके एक स्पेशल फीचर्स है जिसका नॉच, जब आप फ़ोन चार्ज करते हो तो नॉच की नोटिफिकेशन बताता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले की बात करूँ तो आप इनडोर में डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आउटडोर में थोड़ा इश्यू रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ़ोन के परफॉर्मेंस की। उससे पहले बता दूँ कि ये फ़ोन एक कैमरा फ़ोन है। रियलमी C53 में यूनिसॉक T612 एसोसिएट का एक 4G प्रोसेसर देखने मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 4GB 6GB LPDDR4X RAM देखने मिल जाता है, और 64GB और 128GB eMMC 5.1 स्टोरेज वेरिएंट देखने मिल जाता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉइड 13 आउटपुट बॉक्स मिलता है आपको, और Realme UI T एडिशन देखने मिलता है, जो कस्टम UI है, जिसमें आपको Realme UI के कुछ फीचर्स नहीं देखने मिलेंगे। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो एक एवरेज कहूँगा। तो बढ़ते हैं फ़ोन के कैमरा की तरफ, जिसमें आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने मिल जाता है, जिसमें मेन कैमरा है 108 MP का मेन कैमरा है और 2 MP डेप्थ कैमरा है। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने मिलता है। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करो तो रियर में आपको 1080 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो, फ्रंट पे आपको 720p 30fps वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरे की बात करूँ तो इस प्राइस रेंज पर 108 MP सिर्फ रियलमी C35 में देखने मिलता है। और फाइनली बात करें बैटरी की, जिसमें 5000mAh का बैटरी देखने मिल जाता है, साथ में 80W का क्विक चार्जर देखने मिल जाता है। और बैटरी बैकअप की बात करो तो एक दिन आपको आराम से चल जाएगा। तो ओवरऑल फ़ोन की बात करो तो एवरेज कहूँगा। अगर आपका नॉर्मल यूज़ है और डे टू डे टास्क सही से कर सकते हो, इसके अंदर गेमिंग नहीं कर सकते, तो कैसा लगे फ़ोन और वीडियो कॉल में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।